दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वालों कि अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन आपके मोबाइल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है या फिर आप उसे अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट जितने भी वर्जन आ रहे हैं ज्यादातर में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर इनबिल्ट दिया जा रहा है, लेकिन काफी दोस्तों को प्रॉब्लम आती है कि फोन में वो उन्हें मिलता ही नहीं है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा सिंपल मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप उसे अपने कंट्रोल सेंटर में यहां पे ऐड कर लेंगे और सिंगल टैप करते ही आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां पे ऑन हो जाया करेगी। जैसे कि यहाँ पर अभी आप कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं कि मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि आप अपने फोन में या अपने कंट्रोल सेंटर में अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को किस तरह से ऐड या इनेबल कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा उसे आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना अपने कंट्रोल सेंटर में। अब कंट्रोल सेंटर पर आएंगे तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था यहाँ पर सभी तरह के ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब कंट्रोल सेंटर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ऐड करने के लिए आपको करना क्या दोस्तों, ऊपर की साइड आप देखिए कंट्रोल सेंटर लिखा हुआ है और इसके जस्ट बगल में एक सेटिंग का आइकन है और एक आपको पेंसिल जैसा एडिट का आइकन मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे नहीं जाना दोस्तों, ये जो एडिट का ऑप्शन आपको मिल रहा है ये पेंसिल जैसा, आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो ऑलरेडी जो आइटम आपके कंट्रोल सेंटर में एनेबल है यानी कि ऐड है उन पर इस तरह के रेड साइन आ जाएंगे। इनमें से अगर किसी को रिमूव करना है तो रेड साइन पर टैप करते ही वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से कोई भी आइटम रिमूव नहीं करना, हमें यहाँ पर अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अवेलेबल टॉगल। अब अवेलेबल टॉगल में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे काफी एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको ये देख लेना है कि आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में हमें मिल चुका है फोर्थ नंबर पर स्क्रीन रिकॉर्डर। तो अभी सेट करने के लिए जो आपको ग्रीन साइन मिल रहा है प्लस का, इस पर टैप करेंगे, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमारे कंट्रोल सेंटर में ये ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको डन कर देना है। अब डन करने के बाद हम बैक ले लेते हैं। अब चलिए फिर से मैं आपको कंट्रोल सेंटर में लेके चलता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे देखिए हॉटस्पॉट के बगल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हमने इसको सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड कर लिया। अब जैसे अब इस पर टैप करेंगे आपके फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने फोन में कंट्रोल सेंटर में अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।